Family. There he goes again. That's it. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक हैं? आज की वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की पहली खबर, पाकिस्तान ने अपनी जो टेस्ट टीम है जो सिडनी में खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें दो चेंजेस अनाउंस कर दिए हैं। दूसरी खबर, पाकिस्तान के हाई परफॉर्मेंस कोचिंग सेंटर जो है आपका नेशनल टीम का, उसके कोच ने जो कि यासिर अरफात हैं, उन्होंने दो प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा तारीफ की। तीसरी, मुश्ताक अहमद जो हैं वो अब लेग स्पिन डिपार्टमेंट को संभालने के प्रोग्राम में हैं। चले नाजरीन खबरों की तरफ बढ़ते हैं। पहली न्यूज ये है कि पाकिस्तान ने सिडनी टेस्ट के लिए अपनी टीम अनाउंस कर दी है। दो चेंजेस जो हैं मेनली की गई हैं, बड़ी चेंजेस हैं। ऑल दो चेंजेस के बारे में बताया तो गया था आपको लास्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हमने कहा था कि इमामुल हक एक तो रिप्लेस होंगे और दूसरा इमामुल हक रिप्लेस होंगे साइम अयूब से। ये खबर तो एज इट इज हुई। दूसरी, हम लोगों ने आपको न्यूज दी थी कि साजिद खान जो है स्पिन प्रॉपर एक जेन्युइन स्पिनर जो है वो टीम में आएंगे और हसन अली उनको रिप्लेस करेंगे, जबकि इसमें थोड़ा सा चेंज आया है कि सरप्राइजिंगली पाकिस्तान ने शाहीन अफरीदी को रेस्ट करवा दिया है और उनकी जगह साजिद खान जो है वो टीम में आ रहे हैं। सरप्राइजिंग न्यूज है क्योंकि शाहीन जो है काफी अरसे से टीम के साथ चल रहे थे, लेकिन जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस चल रही थी एशिया कप से, तो बार बार इनको कभी ओवरलोड इनके साथ टैग जोड़ा जा रहा था कि ओवरलोड हो रहे हैं। स्पीड जो है वो बिल्कुल 130s में चली गई हुई थी तो एक ज़माने में, बल्कि इनफैक्ट कुछ अरसा पहले ही 140-145 के बॉलर थे जो इनकी नॉर्मल एवरेज स्पीड होती थी, जो कि अब 130s में आ गई है कि 130 को टच करती है, 125-130 मीडियम पेसर वाले हिसाब किताब आजकल चल रहा था। खैर, एक अच्छा फैसला है अगर इन्होंने शाहीन अफरीदी को बिठाने का फैसला किया है। ऑल्दो T20 के वो कप्तान है और वनडे के भी कप्तान है, तो अब देखते हैं कि आगे ये चीज़ें किस तरह फोल्ड ऑन होती हैं, क्योंकि इसके फौरन बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड जाना है, 5 T20 इंटरनेशनल्स की सीरीज खेलना है। खैर, जो टीम अनाउंस की है वो तो इन्होंने दो चेंजेस किए हैं, अब देखते हैं कि रिजल्ट में कोई चेंज आता है कि नहीं आता है, या पाकिस्तानी टीम हसब रवायत अपनी रवायत ही कायम रखती है। दूसरी न्यूज़, पाकिस्तान हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है उसके कोच यासिर अरफात, उन्होंने कहा है कि जी जो आजम खान और असीबुल्ला है ना, इन्होंने तबाही मचा दी हुई है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सब कुछ तोड़ दिया। तारीफ तो खैर इन्होंने ऐसी की है जबकि हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं है। आजम खान जो है कोई ट्रेनिंग के दौरान उनके फोरआर्म पे बॉल लग गया, बॉल लगने के बाद जो है वो एज यूजुअल इंजर्ड हो गए, जितना उनका वजन है और जितना एक वो हिलजुल सकते थे, बॉल थोड़ी सी तेज आई होगी और आगे लग गई। बस उसके बाद क्या था कि वो स्ट्रेचर्स की सिर्फ नौबत नहीं आई, बाकी तो सारा कुछ ही वहाँ पे हुआ है। खैर, अब यासिर अरफात कह रहे हैं कि जी उनकी इंजरी जो है वो ज़्यादा सीरियस नहीं है, ऑल दो फोर आर्म पे अगर बॉल लगे तो लोग जो है वो तो मैच के अंदर लगे तो मैच खेलते रहते हैं। उन्होंने खैर दो दिन से ट्रेनिंग नहीं की तो वो कह रहे हैं कि जी सीरियस नहीं है और न्यूजीलैंड के जो T20 मैचेज हैं तब तक वो फिट हो जाएंगे, और हम अपने SOPs के हिसाब से उनकी जो इस इंजरी है उसको कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने असीबुल्ला की तारीफ़ की है कि यार असीबुल्ला जो है बड़ा एक्साइटिंग प्लेयर है और वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है नेशनल कलर्स में आने के लिए और बड़ा स्पेशल टैलेंट है। और फिर जब उन्हें लगा कि यार ये तो सिर्फ दो प्लेयर ही हैं और बुलाए तो हमने 15-16 प्लेयर थे, तो उन्होंने कहा कि यार इसके साथ साथ जो साहबजादा फरहान है ना, ये भी बड़ा स्पेशल टैलेंट है, काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है और काफ़ी डेडिकेशन से अपनी इम्प्रूवमेंट पर काम कर रहा है। तो वो जिसे कहते हैं ना कि लगे हाथ, उन्होंने साहबजादा फरहान की भी तारीफ कर दी। वो भी सोचता होगा कि यार मैं पता नहीं बीच में कहाँ से आ गया, तारीफ तो आजम खान की करनी थी, आजम खान की तारीफ की जस्टिफाई करने के लिए असीबुल्ला की तारीफ की गई, असीबुल्ला की तारीफ हो गई तो उन्होंने फिर साहबजादा फरहानुल्लाह को भी जोड़ दिया। खैर, आजकल जिस तरह क्रिकेट बोर्ड के अफेयर्स चल रहे हैं उसी तरह ये इनके कोच भी वैसे ही बयान दे रहे हैं। तीसरी न्यूज़ ये कि जी मुश्ताक अहमद, हाजी मुश्ताक अहमद जो हमारे लेग स्पिनर रह चुके हैं, इनफैक्ट लेजेंड लेग स्पिनर हैं पाकिस्तान के, तो अब्दुल कादिर के बाद, तो उन्होंने 5 जो लेग स्पिनर्स हैं उनको कह लें कि नॉमिनेट किया है या उनको प्रोनाउंस किया है कि यार ये जो लेग स्पिनर की खेप है ना,
इस पे अगर काम किया जाए तो ये हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। हमारी टीम का जो बॉलिंग अटैक है बड़ा सॉलिड हो सकता है इससे। बहुत बड़ी खबर दी है उन्होंने, जो कि शायद हम में से तो किसी को नहीं पता हो सकता हो, लेकिन उन्होंने तो खैर ये खबर दे दी है। उसमें उन्होंने कहा कि जी 2 साल से तो आप उस्मान कादिर को लेके फिर रहे हैं, तो एक तो वो टैलेंट हो गया स्पेशल, दूसरा उन्होंने कहा कि उसामा मीर जो है वो भी टीम के साथ है, बड़ा अच्छा लेग स्पिनर है, तो इसको भी आप पे काम इस पे भी काम करना चाहिए। तीसरा इन्होंने कहा कि जी शादाब खान जो है, एक जमाने में टीम के वाइस कैप्टन भी रह चुके हैं, ये भी पाकिस्तान का ना एसेट है, तो इनको भी इन पे भी फोकस करना चाहिए। चौथा उन्होंने जाहिद महमूद का नाम लेके ना बात को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने याद आया कि 4 से ना खबर नहीं बनेगी, खबर के लिए 5 एक बंदे तो होने चाहिए कि 5 स्पिनर्स के लेग स्पिनर्स के नाम लिए। तो उन्होंने कहा कि यार आप ना यासिर शाह को भी रूल आउट नहीं कर सकते, कि आप उसको भी स्क्रैप नहीं कर सकते कि वो भी उसमें भी अभी गेम बाकी है। तो यार क्या जब उसका टाइम था तब आप लोगों ने उसको क्रिटिसाइज करने में सबसे आगे थे आप लोग ही, और अब जब वो बेचारे का टाइम गुजर गया है, एज हो गई है, सारा कुछ हो गया, तो कह रहे हो कि यार उसको स्क्रैप नहीं कर सकते। क्या कह सकते हैं आप मुश्ताक साहब को कि यार अब ये किस उम्र में आके इस तरह के बयान दे रहे हैं, कि जिस तरह ये हीरे इन्होंने देखे हैं, बाकी तो किसी ने देखी नहीं है। बेशक सिलेक्टर्स जिस तरह की मर्जी हरकतें कर रहे हैं पाकिस्तान के, लेकिन ये प्लेयर्स वही चुन के लाए हैं और वही ढूंढ के लाए हैं, तो क्या कह सकते हैं मुश्ताक साहब को। ठीक है, चले नाजरीन अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।